जाकर रंगीला चित्रकार से मिलेंगे और जैसा मैं करूं वैसा ही तुम दोनों भी करना। तुम्हारा रंगीला। शुक्रिया प्रचंडिका, शुक्रिया। अब बहुत जल्द तुम भी आजाद होगे और बाहर की दुनिया में बुराई फैलाओगे। आज तुम्हें इस चित्र से आजाद करने का पूरा इंतजाम करके आई हूँ मैं। अब रंगीला, कहने को हो तुम रंगीला लेकिन है नहीं दिख रहा मुझे तो कोई शक्तिशाली रंग तुम में। है ये सिर्फ काला रंग। करोगे क्या खाक मदद तुम मेरी, मतलब मेरी रानी की, मतलब प्रचंडिका की? तौबा तौबा, यहाँ जितना खामोश रहोगे उतनी ही सांसें ले पाओगे। रंगीला के रंग देखने के लिए बहुत तेज नजर और दिमाग की जरूरत होती है और मुझे लगता है कि वो दोनों ही तुम्हारे पास नहीं है। तौबा तौबा। मुझे पूरा यकीन था प्रचंडिका कि बुराई की रानी हमारे इस काले रंग को रंगीन करने एक दिन यहाँ जरूर आएगी। मुझे तो आना ही था रंगीला, परसों पहले जो काम हमने अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करने का समय आ गया है और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन इस समय मैं तुम्हारी क्या मदद कर पाऊंगा? मैं तो खुद परियों के इस जादुई चित्र में कैद हूँ और रानी परी का जादू ही मुझे यहाँ से आजाद कर सकता है। मुझे कि है नहीं है रंगीला किसी काम का, सिर्फ बड़े बड़े बोल और क्या है। तौबा तौबा, खामोश। नौज के बाद बड़े बोल क्या तुम छोटे बोल भी नहीं बोल पाओगे। रंगीला, तुम आजाद जरूर होगे लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे जादुई ब्रश की जरूरत है। जरूर, मुझे तुम्हें अपना जादुई ब्रश देने में बहुत खुशी होगी लेकिन तुम उसका करोगे क्या? जो काम तुम नहीं कर सकते वो काम तुम्हारा जादुई ब्रश करेगा। मैं तुम्हारे जादुई ब्रश की मदद से पृथ्वी लोक पर बच्चों से चित्र बनवाऊंगी और जैसे ही वो चित्र बनाएंगे उनकी अच्छी छवि यहाँ इस चित्र में कैद हो जाएगी और जैसे ही बच्चे पृथ्वी पर पूरे बनने लगेंगे मैं रानी परी से उनकी अच्छी छवि के बदले तुम्हारी आजादी मांग लूंगी और एक बार तुम आजाद हो गए तो हम दोनों मिलकर पृथ्वी पर
ऐसी बुराई फैलाएंगे कि कोई भी अच्छी शक्ति पृथ्वीवासियों को बचा नहीं सकेंगी। बुलाओ, मुझे अपना जादुई ब्रश दे दो। ठीक है, आओ मेरे साथ। पूरा विश्वास है प्रचंडिका कि तुम बहुत जल्द मुझे यहां से आजाद करवाओगी। बिल्कुल रंगीला। शुक्रिया। अब शुरू होगा रंगों का खेल पृथ्वी लोक पर, तो हमें भी तो इस खेल के तमाशे को देखने के लिए बाहर जाना चाहिए ना। भी देखना क्या होता कैसे है ये सब। तुम क्या देखना चाहते? इस खेल की शुरुआत तो तुम करोगे तौबा तौबा। मैं? हाँ तुम। हेलो मम्मी। हाँ दक्ष मिल गया है, डांस क्लास में था और मैं इसे पागल की तरह पूरे स्कूल में ढूंढता रहा। ठीक है, बाय। हमेशा तेरी वजह से प्रॉब्लम होती है, अब जब तक मम्मी नहीं आती हमें यही रुकना पड़ेगा। मेरा फुटबॉल मैच तो गया। सॉरी भैया, मैंने जान कुछ के नहीं किया। सॉरी भैया, पर भैया फुटबॉल ना सही तो स्कूल के गार्डन में कुछ खेले। ए फुटबॉल वाले, चुपचाप बैठ और टिफिन का। अरे सुनो मेरे बंदू, अरे सुनो मेरे बंदू, अरे सुनो मेरे बंदू। बंदू किसको बोल रहा है? बंदू नहीं, बंदू। भाई भाई, बंदू बोलना। हमारा बांग्ला में बंदू को बंदू ही बोलता है क्या? तुम तुम्हारा खेलने का मन नहीं करता है ना? तो यार बैठा बैठा चित्रकारी करो ना इस सुंदर बात की। ठीक है, इसके साथ बैठने से अच्छा है कि मैं पेंटिंग ही कर लेता हूँ। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। ये लो ब्रश। ये कैसा ब्रश है? थोड़ा तुमको क्या करना है, तुम चित्रकारी करो ना। ये मार्केट में नया है। करो ये लो। करो करो। ये क्या हो रहा है? ये ब्रश तो अपने आप ही पेंटिंग कर रही है। चित्र नहीं, तुम्हें बुरा बना रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे वाह प्रचंडिका, एक बच्चा आ भी गया। आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो बस
शुरुआत है शातिर पर। सुनो, बाहर निकालो, कोई बाहर निकालो, बचाओ, मम्मी पापा प्लीज बचाओ। चीखो और चिल्लाओ, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें बचा पाएगा। देखा शातिर परी, कैसे इस बच्चे की अच्छी छवि इस चित्र में कैद हो गई और इसकी बुरी छवि वो पृथ्वी लोक में बुराई फैला रही होगी। भैया आप ठीक तो है ना? तेरे रहते हुए मैं कभी ठीक रह सकता हूँ क्या? हमेशा मस्ती तू करता है पर भुगतना मुझे पड़ता है। अब देख, मैं तुझे ऐसी पनिशमेंट दूंगा तो आगे से कभी मस्ती नहीं करेगा। बहुत मस्ती करता है ना तू। भैया भैया मुझे माफ कर दो भैया। आई नो भैया, मेरी डांस क्लास की वजह से आपकी फुटबॉल की क्लास मिस हो गई। बहुत शौक है ना तुझे डांस करने का, अब डांस कर। भैया भैया मुझे माफ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अब कर मस्ती। भैया को पता नहीं क्या हो गया, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे, लगता है मुझे बालवीर को बुलाना ही पड़ेगा। बालवीर, बालवीर! मैं कहता हूँ चुप हो जा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? तुम इस छोटे से बच्चे को परेशान क्यों कर रहे हो? क्यों तुमने इसका हाथ बांधा है? खोलो इसे। ये मेरा भाई है, मैं इसके साथ जो भी करूँ तुम्हें क्या लेना देना। बालवीर बचा लो मुझे। चुप। बालवीर, अगर ये तुम्हारा छोटा भाई है तो तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए, बल्कि उल्टा तुम इसे परेशानी करे जा रहे हो। अभी तो मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, अगर आइंदा मस्ती की तो उल्टा लटका दूंगा। खबरदार, अगर आइंदा तुमने अपने छोटे भाई को परेशान किया मैं तुम्हें पंखा बनाकर छत पे टांग दूंगा, फिर घूमते रहना गोल गोल, समझे? देख क्या रहे हो, खोलो इसे। मैं नहीं खोलूंगा और तुझे जो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे लेकिन तुम्हारा भाई इतना बुरा क्यों है? नहीं नहीं बालवीर, मेरे भैया बुरे नहीं है, बहुत अच्छे है। पता नहीं उन्हें आज क्या हो गया, आज पहली बार उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव किया है। उन्होंने देख कर आता बचाओ प्लीज बाहर निकालो। प्रचंडिका है क्या बात है, क्या काम करता ये जादू ब्रश? देखा मैंने खुद अपनी आंखों से, लेकिन अब जब है मिल गया हमें ये जादू ब्रश उस रंगीला का, तो है क्या करना उस रंगीला को आजाद करके। अरे है लगता मुझे कि है रहने देते उसे कैद इस चित्र में, मिलकर हम दोनों इस जादू ब्रश की मदद से फैला देंगे बुराई, है ना? वाह क्या खूब कहा है। बेवकूफ, रंगीला मेरा साथी है और बुराई की जीत के लिए मुझे उसकी जरूरत है। अरे है क्या ऐसी खास बात आपके उस रंगीला में? सही समय आने पर बता दूंगी, तब तक जादुई ब्रश का जादू देखो। प्रचंडिका, अगर ऐसे हर बच्चे के पास हम ये ब्रश लेके जाएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, ऐसे हम अपनी योजना को अंजाम कैसे देंगे? कहा एकदम सही शातिर परी ने। हाँ प्रचंडिका, अब देगी क्या आप जवाब बताइए? कहने को तो तुम दोनों बहुत बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन वो बिल्कुल नालायक। सब कुछ सोच लिया है मैंने, अब पृथ्वी लोक पर हर जगह चित्रकारी की प्रतियोगिता होगी, ताकि ये ब्रश हर बच्चे के पास पहुंचे और सारे बच्चे इस चित्र में कैद हो जाए। और बाल जी, वो जाकर भी कुछ नहीं कर पाए। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। मेरा पर्स मिल जाए तो अच्छी बात है,
ये चीजें रख के ना मैं भूल जाती हूँ। सब जगह ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा है। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मेरा पर्स मिल गया। नहीं नहीं, मेरी कार का रिमोट मिल गया। रॉकी भैया, आप जब से अहमदाबाद से आए हैं आप अपनी चीजें यहाँ वहाँ रख देते हैं, और उसे ढूंढने के चक्कर में मैं अपनी चीज कहाँ रख देती हूँ पता ही नहीं चलता। अब मेरा पर्स मिल ही नहीं रहा है। मिल गया, मिल गया महेश, मेरा पर्स मिल गया। अरे नहीं नहीं स्मिता, ये देखो, एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मौका मिल गया। स्मिता, एक कंपनी है रंग बनाने वाली, जिसका नाम है रंगीन। ये जो कंपनी है ना, ये बच्चों के लिए और जो शौकिया पेंटिंग करते हैं ना, उन लोगों के लिए एक नए किस्म का रंग लेके आई है। और उस रंग के लॉन्चिंग के लिए एक प्रमोशनल उन लोगों ने कॉम्पिटिशन रखी है। देखो, जिंदगी में भरिए खुशियों के रंग। इस कॉम्पिटिशन में क्या है पता है, हम जैसे शौकिया जो पेंटिंग बनाने वाले लोग है ना, वो अपनी अपनी पेंटिंग बना के उनको भेजेंगे, और उसमें से सबसे पहला जो इनाम लगेगा उसको 21,000 रुपए मिलेगा, दूसरे इनाम वाले को 15,000, और तीसरे इनाम वाले को 10,000 रुपए मिलेंगे। वाह महेश, क्या खबर सुनाई है। अरे वाह, इस बात में पार्टी बनती है, पार्टी। ओ भाई ओ, पहले इनाम मिलने तो दे। इनाम तो हम ही जीतेंगे। हाँ। आप जानते हो ना मैं कितनी अच्छी पेंटिंग करती हूँ। गजब। और पेंटिंग बनाने के लिए मैंने थीम भी सोच ली है। जैसे मेरे को पता चला था कि सर ने हमें एक्टिविटी रूम में बुलाया, मैं तो तभी समझ गई थी कि सर हमें जरूर कोई ना कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हाँ हाँ, तुझे तो हमेशा ज्यादा ही लगता है। ए, तू चुप बैठ। तू भी क्या बोली? पॉइंटर, क्या हो रहा है ये सब? तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, हमारे स्कूल में एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, और ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है एक बहुत ही बड़ी रंग बनाने वाली कंपनी ने। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस बड़ी कंपनी के बड़े मैनेजर साहब का, जिनका नाम है रंगू रंगाचार्य रंगनाथन रंगेश्वर जी। रोहित लगता है बहुत बड़ा आदमी है। नाम का ही बड़ा है। यही है मैनेजर साहब, रंगू रंगनाथ रंगेश्वर रंगाचार्य जी। हाँ तो बच्चों, ये पेंटिंग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होगी, और इस कॉम्पिटिशन की एक स्पेशल थीम भी होगी, और वो थीम है वो तो आपको सोचनी है। हाँ तो बच्चों, फटाफट पेंटिंग बनाने की एक जोरदार थीम सोच लो, और ये कंपटीशन का जो भी विनर होगा उसकी फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आएगी। यस। पेंटिंग बनाने में जो भी सामान लगेगा वो इनकी कंपनी प्रोवाइड करेगी। तालियां। और ये रहा वो सब सामान। तो बच्चों, पेंटिंग की तैयारियां शुरू कर दो। आएगा अब मजा। बनाओ बच्चों, पेंटिंग बनाओ, शायद इसके बाद तुम्हें कुछ और बनाने का मौका ही नहीं मिले। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।